प्लेटों में, ऐसी प्लेटें आप अपने घर पे भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बनाइए और आप भी बना सकते हो। स्ट्रगल जूथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं आपको नया जिम जो गुजरात के अंदर है और काफी अच्छा बना रखा है, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखना। और सारे इक्विपमेंट है आपको एकदम डिटेल्स के अंदर बताएंगे कैसे बने और कितनी मेहनत लगी है। तो भाइयों, आपको ये जिम बनाने में कितना टाइम लगा है? अभी हमें ये जिम पूरा अभी तक तैयार करने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लग चुका है। और ये है सतपाल सिंह और ये नीलेश सिंह, इन दोनों भाइयों ने मिलकर ये देसी जिम बनाया है। तो आइए हम करते हैं जिम का रिव्यू स्टार्ट और वो सारे इक्विपमेंट बताते हैं आपको जो हमने देसी तरीके से अपने घर पे बनाए हैं और आप भी बना सकते हो। तो दिखाएं पूरा जिम। चलो चलो, अभी हम जिम का रिव्यू स्टार्ट करने वाला, तो कंटिन्यू देखते रहना क्या क्या इक्विपमेंट बना रखे हैं भाइयों ने और कैसे बना रखे हैं, वो अभी आपको पूरा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ये देखिए काफी सारे डंबल्स अलग अलग वेट के अंदर, क्योंकि हमें अलग अलग वेट की जरूरत पड़ती है। अगर अलग अलग वेट नहीं होगा तो क्या होगा कि जैसे मान लो कि जिम के अंदर हम वर्कआउट करते हैं, जब भी वर्कआउट करते हैं जो भी सेट लगाते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमें जैसे मान लो 10 किलो का डंबल है, उसके बाद हम 12 किलो का, 15 किलो, उस प्रकार से हमें डंबल की जरूरत पड़ती है, वेट बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इनमें क्या है, हमने फिक्स कर रखा है, जैसे मान लो कि ये डंबल्स है, ठीक है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये फिर बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है, जिस हिसाब से बंदों को जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो कि कोई बंदा छोटा है तो छोटे बंदों के लिए ये हो गया, बड़ों के लिए ये हो गया, तो हर चीज अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े डंबल बन गए या छोटे डंबल बन गए काम नहीं होगा, नहीं। और ये सारे काफी सारी देखो प्लेटें बना रखी है, पास से दिखा दो एक एक प्लेट को, और काफी अच्छी प्लेटें बना रखी है, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी इन प्लेटों में। ऐसी प्लेटें आप अपने घर पे भी बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में ये देखिए बेंच है जिससे लेग वर्कआउट भी कर सकते हैं। और ये आप सोच रहे हो कि बाजार से लाई, नहीं, ये हमने जो कबाड़ होता है ना, कबाड़ से खरीदी है, कबाड़ में पड़ा था तो ये ले आए और इसको सेट कर दिया, हमारा वर्कआउट तो हो ही रहा है, तो प्रोफेशनल की कोई जरूरत नहीं है, कबाड़ वाला सिस्टम चल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ट्राइसेप के लिए वर्कआउट करने का सिस्टम है, जो आपने जिमों के अंदर देखा है, वो हमने क्या किया कि पाइप होते हैं, पाइप को वेल्ड करवा के बनावा लिया। तो भाई इसके अंदर कोई ज्यादा खर्चा नहीं आया होगा, नहीं, 200-250 रुपए बन गया होगा, इतने में बन जाता है ना। और इन डंबल में भी 300-350 रुपए का खर्चा आया होगा, ठीक है। और ये चीजें अगर आप ना मार्केट से लाते तो बहुत महंगा पड़ जाता। और इस साइड देखिए ये क्या बना रखा आपने, ये लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप का, अच्छा यहाँ पे लॉन्ग जंप भी करते हो आप, काफी अच्छा सिस्टम बना रखा है लॉन्ग जंप के लिए, हो गया, ठीक है। और इधर देखिए ये काफी सारे प्लेटें बना रखी हैं, टायर्स पड़े हैं, इन प्लेटों से हेवी वेट जैसे स्क्वाट वगैरह लगाते हैं, वो हो गई। ये बार बार से एक बार वर्कआउट करके दिखाना सर, इनमें से किसी से भी, और इन पे एक बार ये देखो, अभी हम जो रिव्यू किया था उसमें बैठे थे यहाँ पे, ये बैठने के लिए लगा रखे हैं लकड़ी के। और ये देखिए छोटे बड़े बड़े देखो, छोटे से लेके बड़े तक है, यानी जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है ना उस हिसाब से इन्होंने ये चीजें बना रखी, काफी अच्छी चीजें हैं। और यहाँ पे देखिए ये दो और इक्विपमेंट बना रखे हैं, ये देखिए ये स्क्वाट के लिए बना रखे हैं, वो ट्राइसेप के लिए, शोल्डर के लिए, वो सारी चीजें हैं, तो काफी अच्छा। एक बार ये करके दिखाना, ये इससे हम शोल्डर वर्कआउट, इस तरफ प्लेट लगाने, इस तरफ प्लेट लगा देते हो, इस तरफ वर्कआउट कैसे करते हो, वर्कआउट इस तरीके से हम शोल्डर वर्कआउट भी कर सकते हैं, सही है, बहुत बढ़िया। और ट्राइसेप वर्कआउट भी, सही सही सही, ट्राइसेप का भी हो जाता, अच्छा है ना। और इस साइड ये पुली वाला सिस्टम है, यहाँ पे देखिए ये पुली लगा रखिए, ये देखिए काफी अच्छा सिस्टम है ये, और यहाँ से ये पुलअप भी लगा सकते हैं ना, ऐसे ये, और ऐसे एप्स का वर्कआउट भी आप कर सकते हो ऐसे, ये सारे है ना, और यहाँ से ट्राइसेप वर्कआउट भी होती है, आप बात है, बहुत अच्छा बना रखा है। ये देखिए डंबल्स भी पड़े हैं, और ये ट्राइसेप वर्कआउट के लिए काफी अच्छे सिस्टम बना रखे हैं। और ये भी देखिए, और ये डेडलिफ्ट के लिए, स्क्वाट के लिए काफी अच्छा सिस्टम बना रखा, देखिए बारबल्स बना रखे, फिक्स बारबल्स बना रखे, इसमें वेट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, छोटे से लेकर बड़ा भी बारबल बना रखा, ठीक है। तो काफी अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे हैमर और टायर वाला सिस्टम है आपका, है ना, टायर, ये देखिए काफी अच्छा सिस्टम बना रखा है। तो आप भी अपने घर पे ये सिस्टम कर सकते हो, क्योंकि अगर आप है ना ये हैमर वाला और टायर वाला सिस्टम करते हो ना, इससे आपकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी बढ़ती है और बॉडी इतनी तगड़ी बनती है, ठीक है। ये लेग वर्कआउट ये कैसे करते हैं, शोल्डर वर्कआउट दिखाना, करके दिखाओ जी। हाँ, हम शोल्डर वर्कआउट भी लगा सकते हैं इस तरीके से, देखिए कितना अच्छा जुगाड़ लगा रखा भाई ने, और काफी अच्छा शोल्डर का वर्कआउट हो जाता है इससे। तो आप भी ये चीजें बना सकते हो, इनको बनाने के तरीके भी बहुत बता रखे हैं,
लेग वर्कआउट भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या बात है भाई, चलो ठीक है। और ये देखिए टायर वाला वर्कआउट, एक बार टायर को फेंकोगे ऊपर से, चलो फेंक के दिखा दो, एक बार टायर उठा के फेंक देगा भाई, देखिए क्या बात है। वाह क्या, ये है स्ट्रेंथ का राज, ठीक है। और यहाँ पे ये पुलअप के लिए बना रखा आपने, पुलअप, ये देखिए पुलअप के लिए सिस्टम बना रखा है, काफी मजबूत है, इसके अंदर तीन चार जने एक साथ कर सकते हैं ना, कर सकते। क्या बात है, बहुत मजबूत है भाई ये तो। और ये प्रसा किस्त, एक बार देखिए, इससे आपकी ना स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ेगी, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हर वर्कआउट आपका अच्छा होगा। स्ट्रेंथ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी के साथ साथ, काफी भाई क्या करते हैं बॉडी तो बना लेते हैं, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहा, स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो सतपाल एक बार रस्से पे चढ़ के दिखा दो। और ये है रोप क्लाइंबिंग के लिए, जिससे क्या है अपनी स्ट्रेंथ काफी अच्छी बढ़ती है। रोप क्लाइंबिंग जिनकी नई होती है ना, वो ये करते हैं पहले, और इनसे क्या स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, फिर यहाँ पे रोप क्लाइंबिंग करते हैं। चलिए तो क्या बात है, बहुत बढ़िया लड़के, देखो कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है भाई के अंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। तो देखिए काफी अच्छी स्ट्रेंथ है भाई के अंदर, तो आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे है ये पुली वाला सिस्टम, तो देखिए इससे हमारा ट्राइसेप का वर्कआउट भी हो जाएगा, है ना। तो इससे ट्राइसेप का वर्कआउट भी हो गया, बैक का वर्कआउट भी हो गया, इससे बाइसेप का वर्कआउट हो जाएगा, और इससे बैक का भी हो जाएगा, ट्राइसेप का भी हो जाएगा, देखिए ऐसे, है ना। तो लगभग ये यहाँ पे चिनअप के लिए दिखा है, ये देखिए क्या बात है, सारे जुगाड़ बना रखे हैं आपने को। तो काफी अच्छा दोनों भाइयों ने मिलके बना रखा है सिस्टम, और बहुत ही बढ़िया लगा आपको। ये पीछे सारा जिम दिखाई दे रहा है, और लोकेशन तो भाई बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत मस्त है। तो आप सबको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नीलेश सिंह रन फिटनेस नाम से इनका चैनल है, और इनका चैनल है सचपाल सिंह फिटनेस, दोनों के चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाइएगा देखिएगा। और काफी सारे वीडियोस बना रखे जो इक्विपमेंट बनाए हुए उनके बारे में भी, वर्कआउट के बारे में भी, जाइएगा एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा आप अपने घर पे सिस्टम बना सकते हो, अपना बॉडी बना सकते हो। और आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग देसी वर्कआउट करते हैं और घर पे हमारी तरह कम, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से है, वो देसी डंबल्स वगैरह बना के वर्कआउट करते हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि आपको कोई भी डीमोटिवेट करे तो आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आजकल मैंने काफी सुना है भाई, और आपने भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि ये देसी जिम से और देसी वर्कआउट से बॉडी वगैरह नहीं बनती, ये सब फालतू चीजें आपको भी सुनने को मिला होगा, ये सब सारी चीजें फालतू चीजें। एक चीज बताऊं कि जो जिमें बनी हुई है ना, वो देसी से ही बनी है, क्योंकि सबसे पहले देसी अखाड़े स्टार्ट हुए थे, इन चीजों को देख के ये सारी चीजें बनी है। तो हमने भी जो भी बॉडी बनाई है, जो भी हमारी पावर है, जो भी हमारी बॉडी है, जो भी हमारा सिस्टम है, सब कुछ देसी से है, और देसी सबसे अच्छा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कमेंट करके सभी जरूर बताना।